फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको एक पीएचपी फाइल के साथ डाटाबेस का कनेक्शन कैसे बनाना है। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले तो आपको पीएचपी का ब्लॉक डिक्लेयर करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप कोई भी वेरिएबल ले लो, जैसे मैंने कनेक्ट नाम का एक वेरिएबल लिया, तो उसके बीच में हमारे पास एक इनबिल्ट फंक्शन होता है। देखो, डाटाबेस के साथ आप कनेक्शन बहुत सारे तरीकों से कर सकते हो। अभी मैं बिल्कुल आपको एक सिंपल तरीका बता रहा हूँ, MySQL_connect के साथ आपको डाटाबेस के साथ कैसे कनेक्शन बनाना है। बाद में मैं आपको PDO के साथ भी बनाऊंगा और ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस के साथ भी मैं आपको कनेक्शन बनाना सिखाऊंगा। बट अभी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं अभी MySQL_connect के साथ आपको कनेक्शन बनाना सिखा रहा हूँ अपने डाटाबेस के साथ। तो MySQL_connect ये एक इनबिल्ट फंक्शन है पीएचपी का, जिसके बीच में चार पैरामीटर्स पास होते हैं। जो पहला पैरामीटर है, दैट इज लोकल होस्ट, जो कि आपका सर्वर नेम है। जो रूट है, वो आपका यूजर नेम है। जो ब्लैंक है, दैट इज पासवर्ड, वो पासवर्ड है आपका। और जो लास्ट में आप दे रहे हो, वो एक डाटाबेस नेम है। तो जो MyDB है, दैट इज योर डाटाबेस नेम। ठीक है, तो ये इसके चार पैरामीटर्स होते हैं जिसको हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। और मैं लगा सकता हूँ, और एक इनबिल्ट फंक्शन है जो डाई भी इनबिल्ट फंक्शन है, और कीवर्ड है डाई, आपका एक इनबिल्ट फंक्शन है। इन केस अगर आपका कनेक्शन आपका इस MyDB डाटाबेस के साथ नहीं बनता, तो आपके सामने मैसेज क्या लिखा आ जाएगा, कनेक्शन फेल्ड लिखा आ जाएगा। तो सबसे पहले हम ब्राउजर पे जाते हैं, लोकल होस्ट PHP MyAdmin लिखते हैं अगर डाटाबेस ओपन करना है। तो लोकल होस्ट लिखा PHP MyAdmin। लोकल होस्ट PHP MyAdmin से क्या होगा कि आपका एक डाटाबेस ओपन हो जाएगा जहां पे आप PHP में डाटाबेस बना सकते हो। देखो, इसके बारे में मैंने मेरी पहली वीडियो है PHP ट्यूटोरियल में XAMPP की, XAMPP को कैसे इंस्टॉल करना है, PHP को कैसे सेटअप करना है, अगर आपको इसके बारे में जानना है डाटाबेस के बारे में, तो एक बार आप वो मेरी वीडियो देख लीजिए ताकि आपको पता लग जाएगा। अब जैसे मैंने लोकल होस्ट PHP MyAdmin ओपन किया, तो मेरे सामने ये डाटाबेस जो पहले से बने हुए ये सारे ओपन हो गए। अब मैं डाटाबेसेस पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं एक नया डाटाबेस बना दूंगा। तो मैंने बना दिया MyDB का डाटाबेस। तो क्रिएट पे क्लिक किया, तो ये बेसिकली MyDB का डाटाबेस आपके सामने क्रिएट हो जाएगा। अब डाटाबेस के बीच में मल्टीपल टेबल्स होते हैं, तो मैं क्या करूंगा, MyDB नाम का जो डाटाबेस बना है, इसके बीच में मैं मल्टीपल टेबल्स बना दूंगा। जैसे मैंने एक नेम ले लिया, स्टूडेंट नाम का टेबल बना लेते हैं। इसके बीच में नंबर ऑफ कॉलम्स लिख देते हैं, 2 कॉलम्स लिखते हैं इसके बीच में। तो स्टूडेंट नाम का टेबल है और उसमें 2 कॉलम्स आ गई। हम ये बेसिकली आपका जो है नेम, ये आपका फील्ड कॉलम नेम है कि आपको टेबल में कौन से कॉलम्स चाहिए। मुझे चाहिए एक नेम का और एक मार्क्स का। तो जो नेम है उसमें अगर अल्फाबेट और नंबर दोनों आपके करेक्टर्स आ सकते हैं, तो यहाँ पे मैं उसका जो टाइप है वो वैर कर दूंगा और इसकी जो लेंथ कर दूंगा वो 255 करेक्टर्स की लेंथ कर दूंगा। बाय डिफॉल्ट वैर कर की 255 करेक्टर्स की लेंथ होती है। जो मार्क्स है, तो मार्क्स है वो तो हमें इंटीजर में चाहिए, तो ABCD तो मार्क्स होंगे नहीं ना, तो वो हमें इंटीजर में चाहिए। तो जो इंटीजर की लेंथ होती है वो आपकी 11 लेंथ होती है इंटीजर की। तो मैं यहाँ पे सेव कर दूंगा। तो अब यहाँ पे MyDB का एक डाटाबेस बन गया, उसके बीच में एक स्टूडेंट नाम का डाटाबेस बन गया। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने MySQL_connect एक इनबिल्ट फंक्शन है, उसके बीच में लोकल होस्ट जो कि हमारा ये सर्वर नेम है, रूट बाय डिफॉल्ट ये रूट है आपका, इसका यूजर नेम, ब्लैंक इसका है पासवर्ड, और MyDB क्या है, MyDB आपका एक डाटाबेस नेम हो गया जो आपका यहाँ पे डिस्प्ले, जो हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे अब एक क्यूरी लगानी है। मैंने यहाँ पे क्यूरी लिखी, तो मैंने यहाँ पे लिखा इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। ये आपकी एक SQL की क्यूरी है जिसके थ्रू आप डाटा को इंसर्ट करवा सकते हो बैकएंड के ऊपर। ये आपकी एक SQL की क्यूरी है जिसके थ्रू आप डाटा इंसर्ट करवा सकते हो बैकएंड के ऊपर। तो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे कॉलम नेम्स लिखे, उसका फर्स्ट कॉलम था नेम, सेकेंड कॉलम था मार्क्स। तो नेम, मार्क्स, और यहाँ पे वैल्यूज लिख देते हैं। वैल्यूज के बीच में अब ये एक चीज का आपने ध्यान रखना है, जो आपकी वैर कैर की वैल्यू है, ये जैसे ये नेम आपका एक वैर कैर है, जो ये आपकी वैर कैर की वैल्यू है वो आपको सिंगल कोट में देनी है,
हमेशा वेर केयर की वैल्यू सिंगल कोट में आएगी, और जो आपकी इंटीजर टाइप की वैल्यू है, जैसे मार्क्स का मैंने टाइप क्या बनाया हुआ है, इंटीजर बनाया हुआ है, तो एक जो इंटीजर टाइप की वैल्यू है वो आपको एक नॉर्मल वेरिएबल में देंगे। तो अब आपने इसको एग्जीक्यूट करना है, तो यहाँ पे मैं इस इफ में लगा देता हूँ, इफ माई सीक्वल आई अंडरस्कोर क्यूरी, जो माई सीक्वल आई अंडरस्कोर क्यूरी है वो आपका एक इनबिल्ट फंक्शन है पीएचपी में, जिसने जिसके बीच में हम दो पैरामीटर्स पास करते हैं, एक पास करते हैं अपना कनेक्शन जिसके साथ हमने अपने डाटाबेस का कनेक्शन बनाया हुआ है, जिसके पास रेफरेंस है मेरे मेरे डाटाबेस का, क्योंकि देखो हमने ये जो माई सीक्वल आई कनेक्ट फंक्शन है इसका जो माई डीबी डाटाबेस है इसका जो रेफरेंस है वो हमने कनेक्ट वेरिएबल में दे दिया। तो माई सीक्वल आई क्यूरी जो आपका इनबिल्ट फंक्शन है उसके बीच में दो पैरामीटर पास होंगे, एक वेरिएबल जिसके पास आपके डाटाबेस का रेफरेंस होगा, और दूसरी क्यूरी जो उस माई डीबी डाटाबेस के बीच में जाके एक स्टूडेंट नाम का टेबल ढूंढेगी, और उसमें नेम और मार्क्स जो कॉलम नेम्स है उसके बीच में आपकी वैल्यूज अमित और टेन को इंसर्ट करवा देगी। तो अगर ये क्यूरी यहाँ पे ये फंक्शन प्रॉपर चल जाता है तो यहाँ पे बदले में वापस क्या आएगा, यहाँ पे ट्रू आ जाएगा। तो अगर ये वैल्यू ट्रू हुई मीन्स अगर पीछे रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका तो यहाँ पे ट्रू आ जाएगा, और यहाँ पे हम इको करवा देंगे रिकॉर्ड इंसर्टेड। अगर पीछे वैल्यूज नहीं इंसर्ट हुई तो यहाँ पे फॉल्स आएगा, तो यहाँ पे हम मैसेज डिस्प्ले करवा देंगे रिकॉर्ड नॉट इंसर्टेड। ठीक है, अब हम इसको सेव करते हैं। जैसे कि हमने सेव कहाँ करना होता है, सी ड्राइव में मेरा जैम्प पड़ा हुआ है, उसके बीच में एच टी डॉक्स, यहाँ पे पी एच पी ट्रेनिंग का फोल्डर है, तो यहाँ पे मैं एक कनेक्ट डॉट पी एच पी से सेव कर देता हूँ अपनी इस फाइल को। अब मैं इसको रन करता हूँ, तो हमें यहाँ पे गया तो मैंने लोकल होस्ट लिखा, तो लोकल होस्ट जैसे ही मैं लिखूंगा तो मेरे सामने ये फोल्डर ओपन हो जाएगा। PHP ट्रेनिंग के बीच में मैंने अपनी फाइल सेव की है connect.php के नाम से, तो जैसे ही मैं इसको ओपन करूंगा तो यहाँ पे एक मैसेज आ जाएगा रिकॉर्ड इंसर्टेड, और यहाँ पे अगर मैं डाटाबेस में जाके ब्राउज पे क्लिक करूंगा तो आपके सामने एक वैल्यू बैकएंड के ऊपर क्या हो जाएगी, इंसर्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से ये एक सिंपल प्रोग्राम है जिसके थ्रू आप अपनी पीएचपी की कोई भी वैल्यूज डायरेक्टली अपने डाटाबेस में इंसर्ट करवा सकते हो। ठीक है, अब मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं एक फॉर्म के थ्रू आपने वैल्यू को बैकएंड के ऊपर कैसे ऐड करवाना है वो मैं बताऊंगा। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करो और कमेंट करो, ताकि आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलेगी, मैं और वीडियोस बनाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।